मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला और कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले चंदे और उसमें कमलनाथ की भूमिका की उच्च स्तरीय या सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि इनकी असल भूमिका का खुलासा हो सके। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री रहते चीन के माध्यम से राजीव गांधी फाउंडेशन को लाभ पहुंचाया। यह बड़ा गंभीर मामला है और इस मामले की जांच होनी चाहिए। पटेल ने कहा कि इस पूरे मामले में कमलनाथ और गांधी परिवार की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इसीलिए जरूरी हो गया है कि इसकी उच्च स्तरीय या सीबीआई जांच होना चाहिए ताकि ये स्पष्ट हो सके कि इन लोगों की आस्था कहाँ है। राजीव गांधी फाउंडेशन को जो चीन से चंदा मिला है उसमें तत्कालीन वाणिज्य मंत्री कमलनाथ जी की भूमिका सामने आई है और इसलिए इसकी उच्च स्तरीय सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि कांग्रेस और गांधी परिवार का संबंध चीन से है, वो चीन के प्रति वफादार है या देश के प्रति। कमल पटेल ने कहा कि दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि कांग्रेस को और गांधी परिवार के राजीव गांधी फाउंडेशन को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए वाणिज्य मंत्री रहते कमलनाथ ने अहम भूमिका अदा की है और अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए चीन के माल से आयात शुल्क बेहद कम कर दिया गया था जिसके एवज में राजीव गांधी फाउंडेशन को बड़ा चंदा चीन से मिला। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।